पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप, मेरी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर 21वीं सदी के सबसे बड़ी गेम चेंजर में एक सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तब भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग, हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18वें लोकसभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नज़र है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व तो सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्य का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है।